है क्वेश्चन नंबर 16। इन द गिवन फिगर थ्री सेक्टर ऑफ रेडियस आर, यानी जो तीन सेक्टर आप देख पा रहे हो इन सब की रेडियस आर है, एक का एंगल 60 है, एक का 80 है और एक का 40 है। हो सकता है फिगर में आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो एक 60 है, एक 80 और एक 40 है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, बहुत आसान, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पहले वाले का, थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत ही आसान, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना सबको ऐड कर दो भाई, सबको ऐड कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या सब में कॉमन क्या मिल रहा है? क्या सब में हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन मिल रहा है? तो ब्रैकेट में क्या आएगा, थीटा 1 प्लस का थीटा 2 प्लस का थीटा 3, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू 22/7। एक काम करते हैं, अभी नहीं, पहले पहले हम एंगल पुट करके कैंसिल आंसर कर लेते हैं। थीटा वन एंगल कितना है हमारा, 60 है प्लस का 80 है प्लस का 40 है, तो 8 4 12 6 18 180 आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180 इंटू 180, तो 2 टाइम्स कट गया, तो यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर आ गया आंसर। तो 1/2 पाई किलो 22/7, रेडियस हमारी 7 है, क्या आंसर 77 आ गया। ए पार्ट किस किस का आ गया आंसर, ए पार्ट किस किस का आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।